नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर तमाम तरह के जो मामले होते हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेता है और खुद राय भी देता है, खुद आदेश भी देता है और बताता है कि अगर समाज में कुछ कुरीतियाँ को बदला जाए, कुछ व्यवस्थाओं को बदला जाए तो निश्चित रूप से जो हमारा देश है उसका सिद्धांत, उसका विकास और व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते ये उनकी एक जो जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। पर अध्यादेश के और इन कर्तव्यों के चलते तमाम तरह के ऐसे आदेश भी दे दिए जाते हैं जो बेहतर भी होते हैं और कई बार उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर हम ऐसे कोई आदेश की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर राय की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मतांतरण की। मतांतरण जो हो रहा है उसके चलते जो माहौल है खासतौर से उत्तर प्रदेश में वो थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए बोल रहे हैं कि 268 से ज़्यादा मुकदमे मतांतरण के, और सबसे ज़्यादा मुकदमों की अगर हम बात करें तो वो मुकदमे हैं बरेली जोन में 57 से ज़्यादा मुकदमे, मेरठ जोन 49 से ज़्यादा मुकदमे, इसके अलावा प्रयागराज जोन में 31, गोरखपुर जोन में 37। इस तरह से अगर हम बात करें तो लगभग 268 मुकदमे मतांतरण के हैं। मतांतरण यानी छल कपट से युवतियों का मतांतरण करा के, उनका धर्म परिवर्तन करा के उनका उत्पीड़न, और जिसके तहत तमाम तरह के आपराधिक घटनाएं भी होती हैं, अगर नहीं मानते हैं तो हत्या भी कर दी जाती है, और तमाम ऐसे मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं जो हमारी व्यवस्थाओं को दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर हम बात करते हैं देश के कानून की, अगर हम बात करते हैं लोगों के मौलिक अधिकारों की, हाँ अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की अधिकारों की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये जो मामले हैं वो इस पर कटाच करते हैं, विरोधाभास पैदा करते हैं, और जिसको लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी आगाह करता रहता है सरकार को। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि अगर मतांतरण जिस तरह चल रहा है अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह देश के लिए खतरा बनेगा, राय दी है। और ये राय तमाम तरह के जो है मामले हैं, आंकड़े हैं, उसको दिखाते हुए दी है। उत्तर प्रदेश की बताया उन्होंने 268 मुकदमे मतांतरण के, और सबसे अहम बात कि सितंबर 2020 तक लगभग 709 लोगों को नामजद किया गया, और जबकि तमाम ऐसे नाम हैं जो उससे जुड़े हुए थे उन पर भी कार्रवाई हो रही है। अगर हम बता दें कि मतांतरण के खिलाफ तो खैर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अध्यादेश बना दिया था, नवंबर 2020 में ब्रिज विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया गया था। इसके तहत अगर कोई छल से, कपट से बहला फुसला कर, डरा कर अगर मतांतरण कराता है स्वेच्छा के विपरीत तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और उसके चलते मैंने आपको बताया कि 268 मुकदमे प्रदेश में हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है कि आदमी किसी भी धर्म में रहे और अगर वो अपने धर्म में रहता है और धर्म से अलग जाकर अगर उसको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, डराया जाता है, धोखा दिया जाता है और लालच देकर अगर उसका मतांतरण किया जाता है तो निश्चित रूप से ये अवैध मतांतरण की श्रेणी में आएगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राय दी है कि अगर इस पर आपने कार्रवाई नहीं की, अगर इसको आपने संज्ञान नहीं लिया, अगर इसने इसके लिए आपने नीति नहीं बनाई तो आगे जाकर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं इस तरह की व्यवस्थाओं से चलती रहती हैं और हम तमाम तरह की ऐसी घटनाएँ देखे हैं। हालांकि मतांतरण का आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है, पर मतांतरण के कारण आपराधिक घटनाएं अगर होती हैं तो उसका सीधा सरोकार मतांतरण से है। घटनाएं होना और उसके कड़ी में मतांतरण का आना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि अगर मतांतरण नहीं होता है, लोग बात नहीं मानते हैं या जबरन मतांतरण कराने की जो कोशिश होती है अगर उसमें नहीं आते हैं तो फिर उसके चलते इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, आपराधिक घटनाएँ, और तमाम तरह की घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनमें हमसे हम देखते हैं। चर्चा का विषय तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ विषय यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम बेहतर
तरीके से इस व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ गलत है, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ गलत है और कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी गलत है। आगे जाकर ये समस्या अभिशाप बने, आगे जाकर ये समस्याएं लोगों के लिए दिक्कत पैदा करें, उससे पहले भी इस पर पहल करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप पहल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर अभी तो केवल उत्तर प्रदेश में देखने मिल रहा है कि 268 मामले आ चुके हैं, फिर इसका असर हमारे देश में सब जगह देखिएगा। क्योंकि आप किसी के धर्म के विरुद्ध जाकर, आप किसी को लोभ देकर, आप किसी को लालच देकर, आप किसी को डरा धमका कर अगर उसको किसी अन्य धर्म में शामिल कराते हैं तो ये तो फिर गलत चीज़ है। और हमारे समाज में और हमारे संविधान में और हमारे कानून व्यवस्था में इसके लिए केवल केवल एक ही व्यवस्था है, वो है मुकदमा, उसके बाद सुनवाई और उसके बाद सजा। जो हर कानून में और जो हर व्यवस्था में हर धारा में यही होता है, मुकदमा होता है, सुनवाई होती है, उसके बाद सजा होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि अगर तुरंत मतांतरण नहीं रुके तो मुश्किल होने वाली है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मतांतरण है धड़ल्ले से चल रहा है, खेल है और कई बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। खिलाड़ी खेल खेलने वाले नहीं बल्कि मतांतरण के खेल में रहने वाले, इसके पीछे अपनी भूमिका निभाने वाले उन खिलाड़ियों की बात की जा रही है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस मुद्दे के बीच में सबसे अहम बात यह है कि हम तमाम बातें करते हैं, हम चर्चा करते हैं, हम आपसी सौहार्द की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम बेहतरी की बात करते हैं और साथ ही साथ हम बात करते हैं आपसी सहयोग की, पर जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं उस पर देश एक साथ क्यों नहीं आता, महत्वपूर्ण विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे, आर्य बेग भाई इस्लामिक स्कॉलर ग्रुप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रदीप तिवारी भाई प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता सपा के रूप में हमारे भाई नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो प्यारा हमारा सवाल रहेगा केसी जैन जी से जाएगा। जैन जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको आगाह किया है, शायद आप संज्ञान नहीं ले रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं भी बताई और बाकायदा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ही 268 घटनाएं हो चुकी हैं, मामले आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा मामले बरेली में 57 मतांतरण के मामले, और कहीं ना कहीं इन मामलों के बाद आपराधिक घटनाएं भी जुड़ी होती हैं, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे मुश्किल होने वाली है, आप संज्ञान क्यों नहीं लेते भाई? जी देखिए जी जी जी, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पूर्ण रूप से ग्राह्य है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदेशे को व्यक्त किया जी, इस अंदेशे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले व्यक्त किया। अच्छा, और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जी एक विधेयक लेकर के आए जी विधानसभा में जी 2020 में जी, और उसको कानूनी अमली जामा पहनाने का काम किया। ठीक, हम आपको बताएं कि जहां तक धर्मांतरण की बात है जी, तो जो पक्ष सॉलिसिटर जनरल ने रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जी, और जो उसमें रिट के दाखिल करता थे अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट जी, तो उनकी रिट पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई जी कि भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है, देश के लिए खतरा है अगर इस तरीके से होता रहा तो जी, और साथ ही साथ देश के लिए एक अभिशाप के रूप में, देश के लिए बड़े खतरे के रूप में ये घंटी है जो कि बज रही है जी, और इस पे ध्यान देना नितांत आवश्यक है। अच्छा, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब विधेयक लेकर के आए 2020 जी, ये विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2020 जी, उसको लेकर के हम लोग तमाम सारे टीवी चैनलों पे बैठे, आम जनता के बीच भी चर्चा थी जी, कि नहीं ये तो जो है अल्पसंख्यकों के विरोध में कानून आ गया
मुस्लिम पक्ष के खिलाफ कानून आ गया, इसमें षड्यंत्र के तहत ये कानून आ रहा है जी। तो देखिए आम समाज की और खास करके बुद्धिजीवी वर्ग की ऐसे मामलों में हमें लगता है जी कि बढ़ चढ़ करके भागीदारी होनी चाहिए, ना कि ऐसे मामलों में विरोध होना चाहिए। अच्छा, देखिए धर्म परिवर्तन का मामला सिर्फ मुस्लिम और हिंदू तक सीमित नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो हावी हो रही है, खास करके जहां पर आदिवासी समाज है जी, और भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है जी कि जो किसी को नहीं मानता, जो प्रकृति पूजा करता है वो हिंदू है। अच्छा, तो ऐसे में हमारे आदिवासी भाई बहन जो हैं, जो हो सकता है भगवान राम की तस्वीर न लगाए, हो सकता है भगवान कृष्ण की तस्वीर न लगाए, लेकिन वो वृक्षों की पूजा जरूर करते हैं। अच्छा, ये भगवान सूर्य की उपासना जरूर करते हैं जी, चंद्रमा की उपासना जरूर करते हैं जी। यानी कि चूंकि वो प्रकृति को बहुत करीब से देखते हैं, जंगलों के करीब, नदियों के करीब, समुद्र के करीब रहने वाले लोग जी, और प्राकृतिक आपदाएं भी वहां ज्यादा आती हैं जी। ऐसे में वो पत्थरों को पूजना और वृक्षों को पूजना, यहाँ तक कि हवाओं को, हवा के रूप में जो है वायु देवता को पूजना, तो ये सारे के सारे देवी देवता हिंदू धर्म में मान्य है। अच्छा, तो हुए तो हिंदू, और उनको बहला फुसला करके, लालच दे करके, और उनको विकास का लाभ लालच दे करके, तमाम सारी चीजों को और लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके क्रिश्चियनिटी तमाम सारे प्रदेशों में हावी हो गई और तमाम सारी जगहों पे धर्म परिवर्तन देखा भी गया जी। रही बात उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लव जिहाद के मैटर आ रहे थे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस कानून को जो है विधेयक को पेश किया गया जी, तो इसमें संशोधन करके एक चीज को और जोड़ा जी, कि अगर किसी जी, लड़की को जी, अपना धर्म छुपा करके जी, और उसको बहला फुसला करके जी, अपना धर्म छुपा करके उससे मैरिज की जाती है जी, और बाद में अपना धर्म खोला जाता है जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया जी। बिल्कुल, और धर्म भ्रष्ट नहीं किया जी, साथ ही साथ बाद में क्या होता है, बाद में उसके ऊपर दबाव बना करके उसको अपने धर्म को, पुरुष वर्ग अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए दबाव डालता है, बाध्य करता है जी। और स्थिति यहां तक आती है कि फिर अगर वो डाइवोर्स दे करके, तलाक दे करके जाना चाहती है तो उसको जाने भी नहीं देते। अच्छा, यहाँ तक कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है जी, अगर वो पुरुष के धर्म को न स्वीकार करे जी। और ये सारे ज्यादातर मामले मुस्लिम धर्मों के पाए गए। अच्छा, कि वो अपने धर्म को छुपा करके हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके हाथ पे कलावा बांध रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, जय श्री अच्छा, राम भी बोल रहे हैं अच्छा, और जो है शिव जी का व्रत भी रख रहे हैं और अपने नाम को छुपा रहे हैं। मैं आपको बताऊं जी, मैंने बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा के अमरसंडा गांव में एक मौर्या परिवार की लड़की के साथ अच्छा, ऐसा ही हुआ अच्छा, और पुलिस उसमें एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही थी। अच्छा, हम जाकर के वहां पे एफआईआर दर्ज जाकर के और उसपे कार्रवाई करा, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई, लड़का बाद में जेल गया। और उस घर में वो 2-3 साल से रह रहा था। अच्छा, नौकर बन के रह रहा था और अपना नाम विकास बता रहा था, जबकि उसने 2 शादियां मुस्लिम धर्म में पहले से कर रखी थी। अच्छा, ठीक है, और 3री शादी इसकी थी। अब ऐसे मामले में अगर कार्रवाई होती है तो क्या होता है कि समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आ जाते हैं सामने। अच्छा, खास करके स्कॉलर्स आ जाते हैं सामने। अच्छा, कहते वो तो लव मैरिज थी, वो लड़की पसंद करती थी। अच्छा, शादी कर ली, क्या आपत्ति थी? आपत्ति अच्छा, शादी करने में नहीं है। अच्छा, लव मैरिज में आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस पर है कि उसने धर्म को छुपा करके, अपनी मैरिज को छुपा करके, 2 मैरिज ऑलरेडी उसके, बच्चे भी थे उसके, उसको छुपा करके उसने शादी की। किसी भाई, मेरा सवाल रहेगा, आपने कहा आपको जानकारी मिलती है, अधिनियम भी लिया है, इनपुट नहीं मिलता क्या? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, आपको इनपुट नहीं आता है क्या? आप जो दो मामले और ज्यादा होंगे सारे एफआईआर। बिल्कुल, देखिए जी, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए गौरव जी, क्या है कि कुछ जो विशेष मानसिकता के लोग बैठे हुए है ना, मैं आपको बताऊं, ये मामला लगातार चलता रहा जी, और पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी जी। अच्छा, बहुत दबाव में आने के बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, यानी कि, और मैं जब वहां पर गया जी, कुर्सी विधानसभा के थाने में तक उसको जाना पड़ा। अच्छा, वहां पे वहां के जो वर्तमान एसओ साहब थे, उन्होंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें क्या सजा है, मैं क्या करूं। तो चूंकि मैं पैसे से अधिवक्ता भी हूं, मैं पूरी कॉपी लेकर के गया था कानून। अच्छा, हमने बताया 10 साल से ऊपर की इसमें सजा है, देखिए पढ़िए इसमें सेक्शंस, भूल गए। और
उसमें जो कि 10 साल से ऊपर की सजा है इसमें तत्काल गिरफ्तारी है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 7 साल से कम की सजा है इसलिए गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा, तब जाकर के दबाव में आके एफआईआर होने के बाद में तब जाके गिरफ्तारी। नवंबर 2020 कुल मिला करके अधिनियम बनाया गया। उसका कारण ये था, मैं बताऊँ उसका कारण भी था। अच्छा, वहाँ के जो मैं बार बार जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे भी मामला ये आया कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे आसपास के और ग्राम प्रधान और तमाम सारी चीजें, वो सारे की सारे उसी मुस्लिम वर्ग के थे, उसको बचाने के लिए वो पहले से पूरी पैरोकारी कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ठीक है मामला रफा दफा करिए, लड़की अपने घर जाए, लड़का अपने घर जाए, अब नहीं रहना चाहते तो ना रहे। लेकिन जो छुपाया जो अपराध किया उसकी क्या सजा है? उसमें मुकदमा नहीं दर्ज होगा? जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे मामलों को खत्म करने के बजाय, ऐसे मामलों में सजा दिलाने के बजाय वो प्रभावित होकर के वो जो अपराधी उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और उसका क्या परिणाम होता है कि ये चैन बाय चैन इस तरीके की घटनाएं और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा काम किया है और आप सही बात कह रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी तमाम सारी घटनाएं हो रही है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं और भी धर्मों के सामने नहीं आ रहा। और खास करके जो अटैक हो रहा है ये ना, ये हिंदुओं पे ही अटैक हो रहा है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं। बात आ गई सामने। ठीक है भाई। किसी जी नितिन भाई, पूरा आपने मामला सुना, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, केंद्र सरकार को चेताया भी है और केसी जी भी बोले हैं मेरे जन साहब की जो है हिंदुओं पर अटैक हो रहा है इन मामलों के द्वारा। 268 मामले केवल उत्तर प्रदेश में है, कैसे देखते हैं आप अगर मतांतरण इस तरह से हो रहा है जबरिया? जी गौरव भाई जी, मैंने केसी भाई को बहुत धैर्य से सुना जी। दो विषय है जी, एक तो है मतांतर जी, तो मतांतरण, और दूसरा है अपराध। अच्छा, जो बात केसी भाई ने व्याख्यायित की जी, वो अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, कि कोई व्यक्ति जी अपनी पहचान छुपा ले, अच्छा अपना नाम ना बताए, अच्छा अपना मजहब ना बताए, हाथ में कलावा बांध ले, और एक इसको चीटिंग कहते हैं, ये सरासर अपराध है। इसको मतांतरण की श्रेणी में मैं नहीं ले जाता हूँ। ठीक है, ये पूरी तरीके से अपराध है। ऐसा जो भी करता है वो 100% सजा का हकदार होता है। उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती हो वो की जानी चाहिए। इसके पक्ष में मैं व्यक्तिगत रूप से समाजवादी पार्टी हूँ। अब बात आ रही है ये जो कानून और ये मतांतरण, ये होते क्यों? आपने देखा भी बड़े पैमाने पर, और आज से नहीं, इसको मैं बहुत पीछे ले चलना चाहता हूँ। हम और हमारा देश जिस व्यवस्था पे चलता है, जिसको हम संविधान कहते हैं, इस संविधान के जिनको निर्माता कहा जाता है, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी अपना मतांतरण किया था। अच्छा, और इसका समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज आपने सही शब्द यूज किया मतांतरण, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको धर्मांतरण कहते हैं जी। ठीक, वो सही शब्द नहीं था, इसलिए आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने सही शब्द का उपयोग किया, जो मैंने पहले बार कई बार अपनी डिबेटों में कई जगह लोगों को टोका है कि धर्मांतरण नहीं है, मतांतरण है। जी, क्योंकि धर्म हमारा जो सनातन दांत कहता है जी, वो ये कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम सुभेद बकाना। क्या बात है। जो धर्म की परिभाषा है जी, सनातन धर्म जिसको कहता है, जो दुनिया धर्म दुनिया का एक ही है, दूसरा कोई धर्म नहीं। अच्छा, धर्म का नाम धर्म है। अच्छा, उसके करेक्टर अलग है, 700 सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। अच्छा, सनातन उसके नाम है, एक चरित्र है धर्म का। अच्छा, लेकिन धर्म धर्म है, वो नाउन है। अच्छा, उसकी पर्यायवाची शब्द नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो शब्द है धर्म के साथ, मत होता है, पंथ होता है, संप्रदाय होता है। तो ये मत पंथ संप्रदाय है जिनकी हम चर्चा धर्म के नाम से किया करते हैं। तो एक बात, दूसरा अभी हमारे केसी भाई कह रहे थे कि वो जो भी कोई वृक्षों को पूजता है, कोई नदी को पूजता है, कोई सूर्य को पूजता है, कोई चंद्रमा को पूजता है, वो सब हिंदू है। और जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के कह रहे थे, चूंकि साथी अधिवक्ता, दूसरा कोई व्यक्ति बोलता जो अनपढ़ जाहिल होता तो उसको मैं टोकता नहीं, चूंकि केसी भाई अधिवक्ता भी है, इसलिए मैं इनको सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है अपने जजमेंट में, मैं उसकी कॉपी भी इनको भेज सकता हूँ, हिंदू धर्म नहीं है।
एक चीज, और बाकी तो मतपंथ संप्रदाय है, हिंदू कोई मतपंथ संप्रदाय भी नहीं है। अच्छा। हमारे देश का जो मजहब है जिसको हम सनातन कहते हैं, हिंदू कह के पहली चीज तो हमारे सनातन संप्रदाय का अपमान करते बार बार। अच्छा। क्योंकि हिंदू ना तो भारत का शब्द है। अच्छा। ये पारसियों का दिया हुआ एक गुलामी का शब्द है। अच्छा। और ये जब इस देश में देश का नाम हिंदुस्तान हुआ था तो इस देश के राष्ट्रीयता का शब्द था। अच्छा। और इस देश की सारी जनता जो भी यहाँ की निवासी थी। अच्छा। वो सब हिंदू थी, जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तानी, नेपाल का नेपाली, चीन का चीनी, जापान का जापानी, अफगान का अफगानी, अमेरिका का अमेरिकन। ऐसे ही जब ये देश हिंदुस्तान था तो यहाँ की सारी जनता हिंदू थी। अच्छा। जब ये देश भारत हो गया हम भारतीय हो गए, जब ये इंडिया था तो हम इंडियन थे। अच्छा। इसको सिर्फ इस संदर्भ में लिया जाए, हमारा हमारा जो मजहब है वो सनातन है। एक बात क्योंकि हमारे मिश्रा जी भी बैठे हैं, आगे बताएंगे, सनातन महासभा से हैं, इसलिए मैं इस बात को आज जोर देर उठा रहा हूँ कि एक सनातन महासभा है, तो ये सब इसलिए मिलाना जरूर हो रहा है। दूसरी बात, हमारे भारत का संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना, पूजा की स्वतंत्रता देते हैं। अब यहाँ ये विषय निजी हो गया कि हम भारत के लोग, भारत के लोग किस पद्धति से अपनी कोई पूजा करेगा, कोई सूर्य को मानता है, कोई चंद्रमा को मानता है, कोई तारों को मानता है, यहाँ तक कि हम लोगों के गाँव में कोई नडवा बाबा, कोई बूढ़े बाबा, कोई गढ़वारे बाबा, कोई काली मैया, मतलब इस देश की परंपरा तो आप जान सकते हो। इसी बात, ये विविधताओं का देश है। तो एक तो ये विषय हो गया, तो धर्मांतरण और मतांतरण में भिन्नता। धर्मांतरण कभी हो नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज, धर्मांतरण कभी हो नहीं सकता क्योंकि धर्म शाश्वत है, सार्वभौमिक है। अच्छा, वो कभी बदल नहीं सकता है। मतांतरण जरूर होता है, जब जगो तब सवेरा, लोग जब कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, और इसको मैं वही ले चलता हूँ। हाँ, ये मैंने क्या कहा, मैं खंडन करता हूँ बात का, कि जहां पर इस तरीके की बात आ रही जबरन, वो अपराध है। जबरन कोई भी काम अपराध है, लेकिन स्वेच्छा से कहीं, अब सामाजिक व्यवस्था पे जाइए कि एक घटना मैं याद देता हूँ, एक नगेली, एक घटना इतिहास में आप डालेंगे कि इस देश में 1924 तक मूलाकर था, जिसको आज भ्रष्ट कर बोलते हैं, भ्रष्ट कर, कि इस समाज में ऐसी व्यवस्था रही है कि लोग अपना शरीर का ऊपर का हिस्सा, दलित और पिछड़े समुदाय की महिलाएं खोल करके ही चलती थी, उनको ढकने का अधिकार नहीं था, अगर ढकेंगी तो उनको भ्रष्ट कर देना पड़ता था। और वो भ्रष्ट कर कैसा होता था कि जिस आकार का उनका शरीर होगा उस के हिसाब से उनको कर देना पड़ता था। और ये बहुत फेमस घटना नगेली, जो महिला थी उसने इसके लिए क्रांति की, और जब टैक्स लेने की बारी आई तो उसने केले के पत्तों में अपने शरीर को काट करके उस समाज के उन सामंती ठेकेदारों के सामने रखा, और जिसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था, और 1924 के बाद उस पर पूर्ण रूप से कानून बने और प्रतिबंध लगाया गया। ये ऐसी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के चलते बहुत सारे लोगों ने उस समुदाय के, उन्होंने क्रिश्चियन मत को अपना लिया, क्योंकि क्रिश्चियन मत को इसलिए अपना लिया ताकि उनको सुशान सम्मान मिले। तो जहां आप अपने समाज के भारतीय लोगों को, जिसको सनातन परंपरा में हम लोग जाति में बांटे हैं, अगर उनको सम्मान नहीं दोगे, उनके साथ ऊंच नीच, छुआ छेद का रहेगा, तब तक ये मतांतरण होते रहेंगे। अच्छा। तो अच्छा से, और अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री जिनको इस्तीफा देना पड़ा इसी के चलते, और बड़ी बड़ी संख्या में, मतलब बड़ी पैमाने पर मतांतरण हुआ, क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है क्या, मेरा ये प्रश्न है। तो ये मतांतरण स्वेच्छा से हो, जो स्वेच्छा से हो रहा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक, सुप्रीम कोर्ट बोला ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्वेच्छा के लिए नहीं बोला है, वो तो बोला जी लोभ लालच अपराध है। ये तो समाज में आप जानते हो, हम अगर आपके साथ, मैं आपके घर आऊं, एक उदाहरण से बात को समाप्त करूंगा कि मैं आपके घर आऊं और आपसे प्यार मोहब्बत से बात करूं, गौरव भाई कि मैं एक सत्यनारायण की कथा करने जा रहा हूं, आप कुछ सहयोग करिए, तो आपने अपने बटुआ निकाला और आपने 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी सहयोग से दे दिया, तो देने वाला की संतुष्टि और लेने वाले की प्राप्ति की सहमति, दोनों परस्पर से जो लेन देन किया गया, ये हो गया पुण्य। और अगर हम आपके घर आए और आप मेरे लिए अंदर से पानी लेने गए और आपके बटुओं से मैंने 100, 200, 500 निकाल लिए, तो ये हो गई चोरी। अच्छा। ये हो गया अपराध। अच्छा। तो यहाँ तो घटना सेम घटना हुई, आपके मैंने 100 रुपए लिए,
अच्छा आपसे मैंने 100 रुपए लिए लेकिन आपकी स्वेच्छा से लिए, ठीक है हो तो गया, ये आप ये हो गया पुण्य और आपने चुरा के लिए चलो हो गया पाप। तो मतांतरण अगर जबरन है तो ये तो सरासर गलत है, ये अपराध है और इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन स्वेच्छा से हो रहा है तो इस पर विषय में जाना पड़ेगा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है। समस्या यही है जी, समस्या यही है, क्या होता है जी कि कोई भी जब अच्छा विषय आता है हाँ। वो समाज की तरफ से आए, टीवी डिबेट में आए या कोर्ट की तरफ से आदेशित हो हाँ। उसके बाद में भी अपने बचाव में बट ये वो तमाम सारी बातें आती हैं। अच्छा देखिए, जहां तक हिंदू धर्म का उन्होंने मूलाकर का एक उदाहरण दिया जी। उसकी उत्पत्ति कब हुई, कब कब तक हो रहा और कब वो समाप्त हो गया जी। तो ये तो एक बड़ा विषय है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी हमारे चारों वेदों में ना तो इसका वर्णन है, ना तो कोई महर्षि महापुरुष के द्वारा इसको लागू किया गया। तो कुल मिलाकर के तमाम सारी भ्रांतियां और तमाम सारे राजनीतिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी चीजें पैदा होती हैं, लेकिन वो चीजें जो धर्म के आधार पर, धर्म की कसौटी पे वो खरी नहीं उतरती, आखिर में उनको मिटना पड़ता, समाप्त हो जाती है वो चीजें। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप देख करके कहीं ना कहीं धर्मांतरण को सही से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही नहीं है। और धर्म जो है, देखिए हमने जो एग्जाम्पल दिया, खास करके हमारा जो आदिवासी समाज है उसके ऊपर कोई टैग नहीं है किस धर्म का है। हमने इसीलिए कहा कि जो व्यक्ति जो है कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, कोई फोटो नहीं लगाता है, किसी का नाम नहीं लेता है, लेकिन प्रकृति की पूजा करने वाला भी हमारा हिंदू भाई बहन है और उसको अगर सनातन में कन्वर्ट किया जाता है, सनातन है, लालच दे करके, लालच दे करके सनातन कह लीजिए, सनातन को कह लीजिए। देखिए ऐसा नहीं, देखिए संतों को खेलने से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो संविधान हिंदू धर्म को लेकर के उसमें सनातन धर्म को तमाम सारी चीजें, बात है विचारधारा, अभी बात लेता हूँ, बात है विचारधारा, हो गया बाकी मैं मानता हूँ, ऐसी विचार धारा हमारी है जी, और जी, उसको आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है वो तो गलत है ना जी, वो तो गलत है, ठीक हम तो इसका एग्जाम्पल दे रहे थे और है। उसको आप तमाम सारे छोटे छोटे उदाहरण, इस तरीके से तमाम सारी चीजें पैदा हुई। अभी उन्होंने स्वयं भी कहा कि तमाम सारे पंथ संप्रदाय बीच में पैदा होते हैं, तमाम सारे जो है परंपराएं भी पैदा हो जाती है, परंपराएं भी कैसे होती है, पड़ गई, लेकिन परंपरा धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती है। हो गया, हो गया, एक परंपरा सारी जगह नहीं मानी जा सकती, ठीक है किसी भाई, किसी धर्म अलग चीज हो गई, विकास भाई बताएंगे, अलग चीज हो गई, विकास भाई बताएंगे, विकास भाई मतांतरण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, गौरव भाई सरकार को चेताया, अभी मैं आपके पास लेता हूँ, विकास भाई कैसे देखते हैं भाई आप जी, जो मतांतरण का खेल चल रहा है जी, देखिए जैसा अभी हमने दो लोगों को यहाँ सुना अभी इस डिबेट में जी, और दोनों लोगों के बातों में कहीं ना कहीं ऐसा लगा इसको राजनीतिक तौर भी देखा जा रहा है, राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है जी। देखिए ये ना धर्म का मुद्दा है जी और ना ये राजनीति का मुद्दा है, अच्छा ये देश का मुद्दा है, क्या बात, और देश का मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है जी, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी अवधारणा को मानने के लिए आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं जी, और इसके लिए आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ जो खेल चल रहा है, मैं किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे भी किसी भी तरीके से किसी का भी मतांतरण अगर किया जा रहा है तो एक सोच है कि हम अपने लोगों को, अपने संख्याओं को बढ़ाएं, खासकर महिलाओं का मतांतरण करना इस चीज को इंगित करता है जी, कि हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके और अपनी नई पीढ़ियों को अच्छा। एक जींस के साथ, एक अच्छे जींस के साथ ले चलें आगे, ताकि उसकी सोच, उसका जी। विचार जी। उस स्तर के हो सके और अपनी सोच के साथ उसको आगे बढ़ा सके, देश में अपना वोट बैंक बढ़ा सके, अच्छा। अपनी मन की सरकार ला सके। देखिए बहुत ही वृहद सोच है, अच्छा। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छा। एक पर्टिकुलर एक धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वो जो भी धर्म कर रहा हो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और देश के लिए बिल्कुल हानिकारक है जी। अभी जैसा कि यादव जी ने अभी बोला भी सनातन संस्कृत के बारे में भी बताया, उसके बाद इन्होंने अंत में एक चीज और बोल दी कि सनातन में जिस तरीके से विभेद किया गया है, वर्णों में बांटा गया है जी,
तो यादव जी आपने बहुत अच्छा, चूंकि सनातन के बारे में बोला तो आपसे उम्मीद नहीं करता था जी। हमारे किसी भी ग्रंथ में किसी भी युग को उठा के आप देख लें तो कभी भी धर्म के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं था, कर्म के आधार पर था जी। हाँ, कालांतर में जी, जहां तक मैं समझता हूँ आप भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो आपको सोचना चाहिए, हर एक चीज आप पुस्तक देख के नहीं सोच सकते, आपको समझना पड़ेगा कि कालांतर में जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से क्या हुआ होगा। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ तो मैंने उसको मुझे समझ में आया कि जिस समय हमारे ऊपर आक्रमण किया गया, मुगलों ने आक्रमण किया, मुगल आए जिस तरीके से उन्होंने स्थापित अपने को किया और हर एक जगह धीरे धीरे वहां पे होते हुए फिर वहां पे आक्रमण करते तो उस जगह को कब्जा कर लेते थे, तो उसमें एक अहम रोल होता था उन लोगों का जो बाल काटने का कार्य करते थे, जो घर के छोटे मोटे कार्य करते थे, जो आपके यहाँ सब्जी भाजी दूध लाते थे, क्योंकि उनको घर की सारी परिस्थितियां मालूम होती थी और उन्हीं से ही मुगलों को पता चलती थी कि इस घर में इस क्षेत्र में क्या परिस्थितियां और इस पर हम कैसे कब्जा कर सकते, वो अपनी रणनीति बना लेते थे जी। तो इस वजह से उस समय एक ये कार्य किया गया कि भाई इनको इनके साथ बहुत ज्यादा बैठना नहीं है, बहुत ज्यादा इनको घर की बातें ना पता चल नहीं पाए, ऐसा नहीं कोई विभेद किया गया था, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए इस तरीके का कार्य किया गया और उसको कालांतर में लोग गलत तरीके से लेते हुए और उसको वर्ण भेद के रूप में लेते चले गए। सनातन में ऐसी कोई पद्धति नहीं है, कहीं पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी कार्य को छोटा नहीं समझा जाता, लेकिन मतांतरण जो किया जा रहा है ये बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही खतरनाक कार्य, बहुत ही भयावह कार्य है और बहुत ही अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर संज्ञान लिया। और मैं चाहूंगा चूंकि यहाँ पे प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो साहब ठीक है आपने कुछ नियम बनाए, कुछ विधेयक लाए, लेकिन विधेयक पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी संज्ञान आपको ही लेना है, ये आप जनता को बताएं कि हम ये कर रहे हैं, जनता को दिखना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं, ना कि डिबेट में बैठकर सिर्फ ये बताया जाए कि हमने विधेयक पास किया था। अगर विधेयक पास हुआ था तो इतने केसेस नहीं आने चाहिए थे, अगर आ रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और आगे आप ये इसको कोशिश करें कि ये ना हो। ठीक है प्रदीप भाई, यहाँ पर लंबा विषय है और निश्चित रूप से विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को चेताया है कि आगे मुश्किल बहुत होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी कोई गंभीर विषय होते हैं जी, तो उन पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है जी। तो निश्चित ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया है जी, तो गंभीर विषय है जी। और बात देश की है, क्योंकि देश से ही रिलेटेड जब कोई बात होती है, जहाँ पे देश का सवाल होता है वहाँ पे ही इस तरीके के कॉग्निशंस लिए जाते हैं। अब बात करते हैं मतांतरण की, तो मतांतरण तो काफी समय से चलता चला रहा और इसमें बहुत सी राज्य सरकारों ने पूर्व में जी अपने अपने राज्यों में इसको लेकर के कानून बनाया। वो उड़ीसा से लेकर के 1967 में उड़ीसा में बन गया था सबसे पहले इसको लेकर के कानून बनाया गया, फिर एमपी हो, अरुणाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्य समय समय पे इस पे कानून बनाते रहते हैं। कानून बने और कानून का पालन हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश को लेकर के जो घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार जी, अगर कानून का पालन नहीं हो रहा, वो चाहे मतांतरण का विषय हो या कोई अन्य चीजों को लेकर के भी अगर कानून का पालन नहीं होता है, तो कानून का इकबाल बुलंद करना तो सरकार का काम है और सरकार नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके कानून बनने के बाद में भी अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पुलिस फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी। और आपको एक चीज और इसमें, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ साथ में मैं केंद्र सरकार को भी इस मामले में दोषी इस वजह से मानता हूँ क्योंकि कुछ मामले पकड़े गए जिनमें ये सामने आई बात कि फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग हो रही है तो आपका भाई केंद्रीय कानून जो है कैसे विदेश से पैसा चला रहा, किस तरीके से हवाला के जरिए आ रहा है, ये आपको बताना चाहिए। और नहीं, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखिए खाली कानून बनने से काम नहीं होगा जी, बिल्कुल। अगर आप अनुपालन, अगर आपने उसका अनुपालन नहीं करवाया, आपकी एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, क्या सो रही हैं वो एजेंसियां, कि सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जरूरी है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उस पर सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में भी सरकार है, केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी जो मुखिया है उनको भी सोचना चाहिए कि आपने कानून तो लिया है 2021 में, आप लिया है तो उसका पालन भी करवाएं। जमीन पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, जमीन पे तो आप इस चीज में व्यस्त रहते हैं कि कैसे हम 80-20 करें, कैसे क्या करें, नहीं नहीं इन सब चीजों में व्यस्त रहते हैं ना। अगर जाहिर सी बात है, आप जब अभी एक हमारे बड़े भाई अभी एक वर्ग को टारगेट कर रहे थे
कह रहे थे कि नहीं ये एक वर्ग समुदाय है, टारगेट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं देखिए 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 वो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 25 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ये राइट देता है कोई भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो किसी धर्म का प्रचार करे प्रसार करे उसको माने तो उसको स्वतंत्रता है उस चीज की। प्रचार प्रसार तो कोई भी कर सकता है, प्रचार प्रसार करके अगर कोई उस धर्म से जुड़ जाता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से अगर कोई जुड़ता है तो वहां पे कानून का वायलेशन नहीं होता है। मगर अगर आप किसी को जाहिर सी बात है लोभ देंगे लालच देंगे या किसी अदर वजह से अदर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो जुड़ता है मामले जो आए हैं वो जबरन ही आए हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकार है। आपको बताऊंगा इससे पहले भी एक मामला आया था जिसमें 145 लोगों के ऊपर दिल्ली का एक मामला था अभी कोरोना काल में, कोरोना काल में झुग्गी झोपड़ियों में 400 से कुछ ऊपर लोगों के ऊपर ये हुआ कि धर्मांतरण कराने का एक लोगों को पाया गया, उसमें 145 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ऐसा आया कि कोर्ट से वो बरी हो गए। अच्छा। तो मुकदमे भी होते हैं, कुछ सही मुकदमे होते हैं कुछ गलत मुकदमे भी हो जाते हैं, तो ये तो कोर्ट का काम है। मगर एक कार्रवाई करना स्टेट का राज्य का राज्य पुलिस का काम है, उसके बाद फिर वो मामला अगर कोर्ट में जाता है कोई दोषी नहीं होता। मैं इस अहम मुद्दे में आपका फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मुद्दे बुलाया आपने। देखिए मतांतरण एक समस्या जो अभी निकल के सामने आ रही है, इसमें जबरन मतांतरण अपराध है। अच्छा। और इसके खिलाफ कानून बना हुआ है, कार्रवाई करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अच्छा। उसके बाद वो वहां पर बैठ कर दुहाई दे रहे हैं कि थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही थी। अरे भाई क्यों नहीं दर्ज हो रही थी, पुलिस आपकी, मुख्यमंत्री आपका, प्राइम मिनिस्टर, CM आपका, इसके बाद भी मुख्यमंत्री। अरे सर पालन कानून को पालन कौन करवाएगा आप बता दीजिए मुझे। अगर कोर्ट ने क्या कहते हैं कोई जजमेंट दे दिया या कोई कानून बना दिया या कोई कानून पास हो गया उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हम करेंगे आप करेंगे, बताइए आप जी। आप बता दीजिए सर कौन करेगा कानून पर राय। अगर इस तरह हो रहा है तो कहीं ना कहीं संदेश तो देना चाहिए ना जब सर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं लोगों को समझाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। सर देखिए जो क्या कहते हैं अभी हमारे प्रदीप भाई ने बताया कि जो कोई भी आदमी इस दुनिया यहाँ का रहने वाला है वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे पालन करे ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। अच्छा। लेकिन कोई लालच लोभ दे करके या कोई पैसे कौड़ी का लालच दे करके या अपना नाम छुपा करके किसी शादी करके, अरे भाई वो गलत है, उसके खिलाफ कानून बना। अगर प्रेम से हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों लेता भाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि आप तो देखिए ना कार्रवाई कौन करेगा इस पे। अच्छा। भाई उसकी कार्रवाई आप करिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कार्रवाई मत करिए। अभी प्रदीप भाई ने कहा 145 लोग सर कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। आप अभी प्रदीप भाई ने कहा 145 लोग सब बाइज्जत भरी हो गए सर, गलत नहीं होना चाहिए किसी साथ में। सबका समान अधिकार है, सबको न्याय मिलना होता क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है हर आदमी का। लोग इसलिए बच जाते हैं जी, कानून की नजर में भी लोग इसलिए बच जाते हैं जैसा कि अभी आरिफ भाई ने कहा जी और प्रदीप जी ने कहा कि कुछ मुकदमे होते हैं कुछ में लोग बच जाते हैं कुछ में लोग छूट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज का जो जागरूक वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग है और वो हर एक समाज में है, हर एक संप्रदाय, हर एक जात, हर एक धर्म में जी। वो क्या करता है, वो गलत सही नहीं देखता है। अच्छा। वो केवल उनको ये देखता है कि हाँ ये हमारे जात के, हमारे धर्म के, हमारे संप्रदाय के, क्या इनको बचाना, कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े पद पर कोई कोर्ट से बरी होकर जा रहा है तो आप कोर्ट पे आप कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं, जाति धर्म देखने लगती है, कोर्ट पे जाति धर्म नहीं देखती है ना लेते हैं। पट्टी बांधने वाले लोग वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा। और 100 से ज्यादा लोग, मैं आपको बताऊँ, जिन्होंने पूछा मैं बता रहा हूँ, 100 से ज्यादा लोग संप्रदाय विशेष के वहाँ थाने पहुँच के धरना दिए थे, मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, इसलिए नहीं दर्ज हो रहा था वहाँ पर कि वहाँ स्थितियाँ खराब हो जाएंगी, लॉ ऑर्डर बिगड़ेगा। क्योंकि उसके धर्म के वो लोग थे। अच्छा। उसके संप्रदाय के वो धर्म लोग से सर, कानून धर्म से ये बताइए, धर्म बड़ा है कानून बड़ा है, उसको बचाने के लिए, बताइए धर्म बड़ा है कानून बड़ा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए नहीं हो रही थी कार्रवाई जी। आखिर में पुलिस ने कार्रवाई की, दुहाई मत दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर होनी चाहिए थी और वो जेल में, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। सुन लीजिए सुन लीजिए, आपकी आवाज भी नहीं मिल पा रही है, बस ये लग रहा है कि शोर हो रहा है जी। दूसरी बात ये कि जो विषय आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना आदेश दिया है जी, आप लोग बार बार चाहे प्रदीप जी हो, आरिफ जी हो, इबिट करके बात कर रहे हैं, वो तो उस बात को तो क्लेरिफिकेशन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि जबरन धर्मांतरण, जबरन मतांतरण नहीं होना चाहिए, स्वतः कोई करे कोई बात नहीं। अब जबरन में क्या क्या चीजें आ गई,
आप लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, नौकरी का लालच दे रहे हैं और उसको कोई किसी ना किसी से बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उसको भ्रमित कर रहे हैं आप इन सारी चीजों के साथ। हाँ, आपका कोई आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन में आपको लगे वहां पे संतों के प्रवचन सुन करके कि मैं आज जो है ये सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को स्वीकार करूंगा, आइए स्वागत है। अच्छा। लेकिन हम आपके वहां पहुंचे कि नहीं आप हिंदू बन जाइए तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। अच्छा। और फिर हम जबरन कलावा बांध करके आपका नाम जो है बदल करके दूसरा नाम रख दें और यही हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है, कुछ बोला है नितिन भाई, कुछ बोल रहा है, लालच और लाभ के द्वारा भ्रमित करके परिवर्तन और ये जो कानून कानून के पहले बहुत से धर्मांतरण के मामले हो रहे थे, सामूहिक धर्मांतरण भी हो रहा था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आने के बाद 2020 का जो ये कानून आया है उसके बाद में जो 268 मामले आए हैं इसीलिए पंजीकृत हुए, इसीलिए अपराधी वो जेल में है। अच्छा। इसीलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये कानून आ गया है। अच्छा। और ये कार्रवाई पहले तमाम सारे धर्मांतरण हुए। नितिन भाई कुछ बोल रहे हैं, नितिन भाई जल्दी बोलिए, समय कम है। केसी भाई दो बार बोल चुके हो इतनी देर में, इनके दो राउंड के जवाब देने मुझे, जल्दी बोलिए। एक तो पहले राउंड में इन्होंने शुरुआत की थी वेदों पुराणों और उपनिषदों का जिक्र करते हुए, तो मैं इन्हीं से बार बार हिंदू विद्दू कह रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी श्रुति में, किसी में, रामायण में, गीता में, भागवत में, सनातन धर्म के किसी साहित्य में हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है, एक बात। ठीक, दूसरा, भारत के दो चीजों से देश चल रहा है, एक विधान से एक संविधान से। संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू है और विधान जिसमें हमारे कुरान बाइबल चलती है। देखो कैसी चीज, ये गलती हरकतें मत करो। मैं उंगली उठाता हूँ या मैं आपको सुनकर जवाब देता हूँ, बीच में उंगली उठाओगे तो फिर मेरे लिए मजबूरी होगी आपके लिए टाइट शब्द बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं गलत से बोल रही है, वो कह रहे हैं गलत से बोल रहे हैं, आप गलत से बोल रहे हैं, ये हिंदू सनातन। मैंने इनके बारे में जवाब देना है, क्या लीगल तरीके से अधिवक्ता है, अपनी बात बीच में बोलते हैं तो ये गलत बात है। मैंने क्या कहा, ये देश कैसे चल रहा है, आप धर्माचार्य बनने की कोशिश मत करिए, आप कैसी को चुप करा दो, पार्टी के लीडर है, मैं पूरी गौरव भाई की पूरी फिर अपने तरीके से आना पड़ता है। वो कह रहा है धर्माचार्य मत बने, ये दो बार बोले, वो कह रहा है धर्माचार्य मत बने, गौरव भाई कैसी कैसी भाई बोल रहे हैं, धर्माचार्य मत बने, जो आप चाहे हनुमान पूजक कह रहे हैं, आप क्या धर्माचार्य हो, ये इनसे मैं पूरी चुनौती देता हूं, डिबेट करें। हां, वो कह रहा है धर्माचार्य मत बने, मैं अधिवक्ता हूं, मुद्दे पे कह रहे हैं, मैं प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता हूं तो जवाब दूंगा। अच्छा, प्रवक्ता हूं जवाब दूंगा, या अगर ये अनुमान चाहिए तो कुछ नहीं पता, तो इसके बाद डिबेट है भाई, आज का विषय धर्म पर है, डिबेट नहीं करते, डिबेट तो विषय है, धर्म पर जवाब देना पड़ेगा कि धर्मांतरण जबरन क्यों हो रहा है। अपनी पार्टी से आप अभियान चलाएंगे कि आपकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण मतांतरण में शामिल ना हो, चलाएंगे आप अभियान चलाएंगे। हमारी एक मांग है जी कि आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जी एक अभियान चला करके एक संदेश दें जी कि आपकी पार्टी का एक भी व्यक्ति जी इस धर्मांतरण मतांतरण में शामिल नहीं होगा। अच्छा। मैं बस इतना आश्वासन चाहता हूँ, बस। नितिन भाई आश्वासन देंगे आप किसी भाई को? सवाल का जवाब दीजिए जी। नितिन भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या शहनवाज हुसैन पर कार्रवाई करेंगे, उनकी पत्नी किस संप्रदाय से आती है? अच्छा, मुमताज अब्बास नकवी पर कार्रवाई करेंगे, इनकी पत्नी किस संप्रदाय से आती है? अच्छा, रामलाल जी के इनके संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, उनकी बेटी ने अभी 2 साल पहले ही लखनऊ में शादी की मुस्लिम लड़के से, फिर वही बात, फिर गलत डायरेक्शन में आप जाइए। पहले राउंड में कह चुका हूँ कि जबरन आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के बाद अंजान में पड़िए, देखिए आप अंजान बन करके भोले बन करके भ्रमित कर रहे हैं, आप धर्म की आ रहा हूँ, अंजान मत पड़िए, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति, मुझे पता है, और उसके बाद भी आप
सारे विधान को पढ़ा है मैंने, स्मृतियां पढ़ी कुरान पढ़ी, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी। अब आप उससे डिबेट करो जिस विषय पर करना चाहते हो। इसलिए मुझे यह मत बताओ कि मैं शांति स्थापना मिशन के नाम का एक संगठन चलाता हूँ जो देश के स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं उसका संस्थापक हूँ। इसलिए मुझे डॉक्टर नितिन भाई जी कहते हैं। ये आपको मैं बताऊं तो इसलिए मैं टोकने गलती मत करना कि मैं धर्माचार्य नहीं हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जितने विद्वान हो धर्म के विषय में मुझसे शास्त्रार्थ करें। कराइए भाई कराइए। अरे आप बहुत तुम्हारा ध्यान भजन हो जाएगा। हिंदुओं के साथ छल कर रहे हैं, बहस मत करो। आप कुठाराघात कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में। दोबारा राज्य छुपाने के लिए आप लाची हैं। दर्शकों को भी लाभ हो जाएगा। अपने लालच को सफल करने के लिए हिंदुओं के प्रति कुठाराघात कर रहे हैं सब कुछ जान करके भी। इसी बात की पीड़ा है, पीड़ा इसी बात की है। आप एक आश्वासन दीजिए कि आप अपनी पार्टी में एक अभियान चलाएंगे। आपकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जब हम हिंदू धर्म में शामिल नहीं होगा जी, आप ये चलाएंगे भी? कह रहे हिंदू धर्म नहीं है जी, सनातन धर्म है तो क्यों शर्म आती है? आप लोग सनातन धर्म के द्रोही हो, आप राष्ट्र द्रोही हो, धर्म विरोधी हो। अच्छा हिंदू होकर के अभी आर एस एस ने विज्ञान भवन में सम्मेलन किया, मैं भी गया था। किसी ने बुलाया था कि हिंदुस्तान नाम भी नहीं होना चाहिए, भारत गणराज्य नाम होना चाहिए, उससे धूर्त व्यक्ति नहीं आनी चाहिए। किसको झूठ बोल दिया? जो लोग भी गद्दारी कर रहे हैं अपने धर्म के साथ, सबको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हिंदू कर रहे हैं उनको भी, मुस्लिम कर रहे हैं उनको भी। अच्छा, जो अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहा है वो धूर्त। कौन गद्दारी कर रहा है यहाँ पर? वो धूर्त है। और जो व्यक्ति सब कुछ जान करके भी अपने धर्म का धर्मांतरण होते हुए देख रहा है, खास करके अपने हिंदू भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो सबसे बड़े धूर्त है और सबसे बड़े पापी है धर्म। ये वसीम रिजवी को आप धूर्त नहीं कह सकते। केसी भाई से ज्यादा कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता, केसी से ज्यादा कोई गंवार नहीं हो सकता। इनको तो अधिवक्ता कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि ये तो ना कानून की जानते हैं ना कर्म को पेशा को जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ सनातन धर्म पर चर्चा करिए, हिंदू धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। और ये इस तरीके से जिस तरीके से बोल रहे हैं आप, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्या? आप इसलिए बुलाते हैं डिबेट में? टिप्पणी करूंगा, झूठ बोल रहा हूं किसी को? डिबेट में आप इसलिए बुलाते हैं? ऐसे कमीने आदमी को बैठा दिया, ऐसे निकिष्ट और नीच आदमी को बैठा दिया, मरे बदतमीज और धूर्त आदमी को बैठा दिया, नीच कमीना कमीने और धूर्त आदमी को बैठा दिया आपने डिबेट में। मरियाला बनाइए गैर मरियाल टिप्पणी गलत है। पैसा लेके भागा है जैन समाज से, पैसे लेके भागा है और जैन समाज ने बाहर कराई। मैं अभी कॉपी भेज दूंगा, चोर है, चोर है, मैं चोर से मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये केसी जैन नंबर का चोर है, बदतमीज कहीं के धूर्त व्यक्ति, चोर है, जैन समाज ने भाई क्राइस्ट के खिलाफ चार पुलिसी की हिंदू के नाम पे कलम हो, भाई की कॉपी भेज दूंगा आधे घंटे के अंदर। कलम हो हिंदू होते यहाँ पर, यहाँ पर पर्सनल टिप्पणी नहीं भाई, गलत बात है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। किसी पर्सनल नहीं, किसी पर्सनल नहीं, किसी पर्सनल नहीं, किसी पर्सनल नहीं। वाले हो हिंदू के साथ जो गलत कर रहे हो, भगवान शिव तुमको सजा देंगे। अरे तुमको तो भगवान जैन समाज सजा देगा। नितिन भाई किसी भाई पर्सनल बिल्कुल नहीं, ये मेरी डिबेट में नहीं होगा, ये मेरी डिबेट में नहीं होगा। पर्सनल कोई आरोप नहीं, प्लीज प्लीज
पर्सनल कोई आरोप नहीं, पर्सनल कोई आरोप नहीं, ये सर गलत बात है भाई। पहले ये बताओ आपने पार्टी पर बताओ भाई, पार्टी बात कर रहे हो सर। एक लास्ट कमेंट समय नहीं है क्या भाई, क्या सबसे कम टाइम से बात करने के लिए तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पहले पर्सनल टिप्पणी उसने की, यहां पर पर्सनल टिप्पणी पहले कर ले, आप चरित्र चित्रण कर दूंगा, शब्दों की मर्यादा रखी जाए भाई, शब्दों की मर्यादा ये मुझे बताएंगे, बिल्कुल रख लीजिए, मैं टीवी पर किसी बात करने जा रहा हूं भाई, आप चोर बोल रहे हो भैया, भी बोल देंगे नितिन भाई, मैं भाई कितनी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा था, इनके जैसे नालायक लोगों दर्शकों का नुकसान भी कराया, आपका समय का नुकसान किया और मेरे जैसे आदमी को लास्ट लास्ट ही घड़ी का कमेंट ले लीजिए, इसके बाद जो है अब डिबेट भाई कुछ कर समय समय हो गया, विकास भाई जल्दी बोलिए, अब दोबारा दोबारा कैसी जाए, जैसा कि आपने सुना अभी हमारे सपा के प्रवक्ता साहब ने भी नाम लिया था, वसीम रिजवी साहब का भी, और हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे थे वसीम रिजवी साहब के लिए, ठीक है, जहां तक हमें संज्ञान है वसीम रिजवी साहब ने सनातन धर्म अपनाया था स्वेच्छा से, अच्छा, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया था। एक सेकंड पहले सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए, केसी भाई ने कहा ना कि क्या कहते हैं, केसी भाई ने कहा कि जो भी अपने धर्म के लिए गद्दारी करेगा वो दूर हो गया, तो मैंने गद्दार मान लिया, मैं क्यों मान लू, आपने कहा उनको, उन्होंने सिर्फ ये कहा था जो अपने धर्म से गद्दारी करेगा उसको दूर कहा जाएगा, बिल्कुल गद्दारी कहने का अर्थ ये नहीं होता, जैसा भी आप से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला था उसमें आपने सहमति जताई थी, अच्छा, कि अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का विस्तार करना, तो विकास करना, शुरुआत सुनिए पहले, वो गैर कानूनी नहीं है, किसने करी, लेकिन दूर किसने कहा, अगर किसी को जबरन अपने धर्म को लेकर मतांतरण कराया जाता है तो वो गैर कानूनी है, अगर आप त्यागी जी की बात कर रहे हैं जिनको आप वसीम रिजवी जी कहते थे, आज त्यागी जी के नाम से जाने जाते हैं, अगर उन्होंने अपना मतांतरण किया तो आज की उनके ऊपर जबरदस्ती जबरन उनसे कराया गया था, उन्होंने स्वेच्छा से किया, उनका बयान है, क्यों किया, शादी करना चाहते हैं, नहीं बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप पहले समझिए, आपके ही धर्म के लोगों से जब उनको जान माल का खतरा हुआ तो उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, गौरव जी अगर मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताइएगा, यही सच्चाई थी, आप उनको अगर किसी ने कहा कि जो गद्दारी कर रहा धूर्त है तो आपने कैसे कह दिया किसी के नाम लेकर के वसीम रिजवी जी को धूर्त मत कहिए, आप अपने मन की बात कहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप लगाने से पहले 10 बार सोचिए, आप किसी का नाम लेकर के किसी का धूर्त बोलेंगे, आप क्यों बोलेंगे, आप मतांतरण की बात कर रहे हैं, मतांतरण बात करिए, आपने कैसे कह दिया कि सनातन संस्कृति में उनको जबरन लाया गया था, नहीं आपने प्रूफ करके पहले, अगर आपने कहा कि उन्होंने किसी दबाव में उसको नितिन भाई भी बोलेगा, प्रीति भाई बोलेगा, हो गया होगा, नितिन भाई बोलिए, जल्दी बोलिए, प्रीति भाई को लेता हूँ, गौरव जी मैं ये कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था जब वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मैं किसी के कार्यक्रम में जाऊं और फिर कहूं कि आप हिंदू धर्म को स्वीकार कर लीजिए, उसके बदले में ऐसा करेंगे, तो मैंने उदाहरण दिया, मैं जैसे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, इनको आपने ऐसे मतांतरण करा, मैंने दो उदाहरण दिए बार बार, आपके आर्थिक समय नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, सारा बात नकवी समय नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ यादव जी, आपने जो उदाहरण दिया तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनको कोई लालच दिया गया था, इसके बाद में बात कर रहा था धर्म की, आप ये तो बता दीजिए उसके साथ क्या उनको कोई लालच दिया गया था, यहाँ तक मैं बात कर रहा था, अगर अगर आप इसका कोई उदाहरण, आप उसका कोई प्रूफ दीजिए कि उनको लालच दिया गया था इसलिए उन्होंने सनातन संस्कृति अपनाई, और मैं देखिए एक मिनट रोकिए मत,
टोकना इसलिए बोल रहा सर समय नहीं है और समय आप जो बात कर रहे हो उस पर हमें क्वेश्चन करना आपसे, तो मैं इसलिए बीच में बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको जबरन करा दिया गया, उनको लालच दिया गया, तो उसके प्रूफ भी तो दे दीजिए। मैंने एक सेंटेंस में बात को खत्म की विकास जी कि जबरन कोई भी काम करना अपराध होता है, इसके लिए कानून में सजा है और सरकार में आप बैठे लोगो आप जितनी सख्त से सख्त सजा हो वो सजा दो, ये कानूनन अपराध जो है, कोई भी काम जबरदस्ती कराया जाता है। लेकिन देखिए मामला ये चल रहा है, इसको लेकर के केसी जैन भाई ने अभी जो बोला कि इस तरीके से मतांतरण हो रहा और मतांतरण कर दिया गया, शादी हो गई कुर्सी में, वहां पे जाकर के FIR लिखाने गए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट होते हुए भी अगर इनके शासन काल में उत्तर प्रदेश में कोई FIR नहीं लिखी जा रही है तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो एक FIR लिखवाने में सक्षम नहीं है जब इस तरीके की घटना कारित हो जाती है। अच्छा। दूसरी बात जब आप चल रही है धर्मांतरण की इस तरीके की जी, तो वो आपका मतांतरण के उसमें ही आएगा और उसके लिए कानून है जी। अभी बात चल रही थी आपकी वसीम रिजवी जी को लेकर जी, जहाँ पे उन्होंने जिस धर्म को स्वीकार किया है ये तो वही दोनों लोग बताते हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति ठीक है अपने FIR लिखाने जाना नहीं चाहता। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी और चर्चा हालांकि बीच में किस तरफ चली गई हम देखे ही है कि लोग एक दूसरे पर ही पर्सनल आक्षेप लगाने लगे। देखिए व्यवस्थाएं हमारे देश की वो संविधान के हिसाब से चलती हैं, हमारा संविधान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था को बनाए हुए हैं, धार्मिक व्यवस्था हो चाहे मौलिक व्यवस्था हो चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं। पर अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय कोई संज्ञान ले रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाओं में सेंध लगाई जा रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सरकार को ध्यान देना होगा और तैयारी करनी होगी इस मुहिम के खिलाफ लड़ने की। अगर आपस में ही यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप को दौर रहेंगे तो जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुश्किल होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुश्किल होगी। पर अगर चाहते हैं कि स्थिति ना बने, जो मतांतरण जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के विपरीत एक मुहिम चल रही है उसको रोकना है, तो राज्य सरकार कहे चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कहे और चाहे केंद्र सरकार की बात करें, इसके अलावा भी राजनीतिक दलों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और निभानी होगी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को कि अगर किसी के साथ लोभ लालच और जबरन उसका मतांतरण होता है तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है और खिलाफ है हमारे देश की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। फिलहाल आगे तमाम तरह की और भी चर्चा देखने को मिलेगी, अगर ये मुहिम चल रही है तो इसको खत्म करना भी इसको रोकना भी केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसी चर्चा में आई, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।